नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हार कर रोकर और डर के जीने वालों में से नहीं हूँ मैं, हार कर रोकर और डर के जीने वालों में से नहीं हूँ मैं, अपने मंजिलों का रास्ता चलकर खुद तय करने वालों में से हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो हौसला है कि आप अपने मंजिल का रास्ता खुद ब खुद तय कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वीडियो का जो मेन मोटो है इसी पर है। अभी कॉलेज की कट ऑफ आना स्टार्ट हुई है, आप बहुत बेचैन होंगे, आपको आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैंपस के लिए वेट करें, कैंपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज हुआ भी छूट जाएगा, ये स्थिति होगी। तो इस समय आप जिस हुआ पहो की स्थिति में है उससे हम लोग भी गुजरे हैं और हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग अब भटकेंगे और ऐसा भटकेंगे कि फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप ऐसी गलतियाँ इसमें करेंगे कि बाद में आप उसको सोचेंगे सुधर जाए, लेकिन सुधरेगी फिर नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉलेजेस की कट ऑफ आने के बाद अब कॉलेज भी ललचाएगा आपको कि हम तो कट ऑफ डाउन किए हैं, आप हमारे भी पास आइए, हमारा भी हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। इसके साथ साथ अभी मेन कैंपस की काउंसलिंग शुरू ही हुई है, तो आपके अंदर ये बैठा है कि कहीं कैंपस में हमारा एडमिशन ना हो जाए, तो अगर हम एक बार कॉलेज चले जाएंगे तो कैंपस में कैसे आएंगे। तो इसी बात का जो द्वंद्व है, हमको वही द्वंद्व दूर करना है। यानी कि बात यह है कि हम कॉलेज में जाएं कि हम कैंपस के लिए वेट करें, ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब इसको आप ढूंढेंगे और इसका सॉल्यूशन, इसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यह है, कॉलेजेस की कट ऑफ नीचे जा रही है और नीचे खुद ब खुद वो निकालते हैं, लेकिन अभी कैंपस की स्टार्टिंग ही काउंसलिंग हुई है। तो ऐसा वीडियो मैं अब पोस्ट करने वाला हूँ, यानी कि अब आगे ऐसा वीडियो पोस्ट करूँगा कि इतने नंबर के ऊपर के छात्र अब वेट करें फॉर मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मान लीजिए कि बीए की अनरिजल्ट की कट ऑफ 618 गिरी हुई है, अब कितनी कट ऑफ का और वेट करें, कितने नंबर के छात्र अनरिजल्ट कैटेगरी वाले मेन कैंपस के लिए वेट करें, कितने नंबर वाले ओबीसी के लिए वेट करें मेन कैंपस, नहीं तो आप जाके कॉलेज में दाखिला ले लेंगे तो कैंपस कौन आएगा भैया, और कैंपस भी तो आपके लिए खाली है। तो आपकी मेन प्रायोरिटी कैंपस होना चाहिए। तो अभी जल्दबाजी ना करिएगा, जिनका बहुत अभी तो मान लीजिए कि ऐसी कट ऑफ गिर रही है जो शायद आपकी रीच में हो, यानी कि 400 नंबर 450 नंबर जो गिर रही है कट ऑफ, वहाँ तक आप कैंपस भी गिरेगी, कैंपस की भी कट ऑफ गिरेगी, लेकिन गलती आपको अभी नहीं करना है। अभी आपको इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, लगातार आप अपडेट होते रहिए। लेकिन ऐसी गलती ना करिएगा कि कॉलेज की लालच के चक्कर में आप कैंपस भी छोड़ दें कि कॉलेज की कट ऑफ आ गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कॉलेज भी बहुत बेहतर है, कैंपस भी बहुत बेहतर है। यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे आप उसको फॉलो करिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, आप जो करेंगे उसके जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, मेरी बात को मानने न मानने का अधिकार आपको है, तो आप अपने जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। ये बात जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आपका जो मन करे आप वो करिएगा, लेकिन यहाँ से आप जुड़े रहिएगा तो आपको लगातार सकारात्मक चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। तो बात यही है कि अभी जल्दबाजी बहुत ना करिएगा, अगर आपका जहाँ मनपसंद कॉलेज अगर आपको मिल रहा तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, लेकिन अभी भी मेन कैंपस के लिए बहुत सारी सीटें खाली हैं, अभी तो यार 10% भी सीट नहीं भरी है, तो परेशान आपको नहीं होना है जब तक हम आपके साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लगातार देखते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब थोड़ा सा करवा दीजिए और कर भी दीजिए, जिससे 40,000 50,000 हम पहुँच जाए जल्दी। थैंक यू।